हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, अब जो है ना, टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी होने लगा, मतलब दिन क्या होने लगा, छोटा, और रात होने लगी। हाँ, समझ गए ये भी। इसलिए जो है आँख खुलने लगी लेट, मौसम होने लगा अच्छा, ठंड सी में नींद आने लगी पसर में, बढ़िया। देर ना हो जाए इसलिए काम जो है भागा भागा करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जूते पहन लो भाई, लिमिटेड समय बाकी रह गए हैं, उसके बाद में तुम्हें जो है नाश्ते पानी भी करने हैं। चलो फटाफट निपटाते हैं। सबसे पहले यो काम कौन? हाँ तो आपको भी तो खाना, जल्दी जल्दी पहन लो। बेल्ट कहाँ है आपकी? चलो बेल्ट भी लगानी है ना, खड़े हो जाओ बैठे। ये ना यार, उसको इतना बोला सोचा थे, नु कह रहे थे नु को इसकी शकल कितनी बोली है, लेकिन इतना बोला है नहीं है जितना आप समझ रहे इसे और सोच रहे। शकल पे नहीं जा करते इंसान की, कुछ अंदर की चीज भी महसूस कर रख रहे हैं। ये बोला नहीं है, बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। और बात इसकी ऐसी हो गया, अचंबा लगे एकदम से। इसे ना अपनी पसंद क्या वो खाने, चिप्स खाने। ऊपर देखो कैसे डाल की चिड़िया बोल ली बैठ के। वो है पैरोट। आर उसी की तो नाश्ता करके रोज की ऐसी हालत हो जाए। उसे तो एक बार पीछे को लेट ना, आज बेड पे मैंने बैठने नहीं दिए ना। और इसकी छुट्टी है, इसकी छुट्टी किस चीज़ की है? आज इसका पीटीएम है और ये अपने पापा के साथ जाएगी। अपना पीटीएम में रिजल्ट देख के आऊँगे ये इसका, क्योंकि छोटे बच्चों की उसमें तो जाया नहीं गया था, कंडीशन ऐसी थी, टाइम नहीं मिल पाया प्रीति को, वो अकेली थी, मैं यहाँ थी नहीं, यही हुआ था ना। लेकिन इसका पीटीएम तो अटेंड कर आऊँगे और इनकी फीस डिपॉजिट कर आऊँगी। तो भाई चिंकी है रेडी एकदम, और इसे जाना है अपने पीटीएम और मैं जाऊँगा स्कूल इसके साथ में। और इसने इच्छा जताई आज दोनों ही पापा जी आज दोनों गाड़ी में चलेंगे। गाड़ी में चलेंगे हाँ जी। तो भाई पीटीएम में जा रहा हूँ मैं, देख के आऊँगा इसके कितने नंबर हैं, हैं? और आज इसके स्कूल में घूम के आता हूँ, यही है यहाँ पे। और बाकी बच्चे सब स्कूल गए हैं पहले से पहले। नंदनी से भी मिल के आवे कि वहाँ पे ये पीटीएम हो रहा है, किंडरगार्टन में जहाँ पे उसकी क्लास है। तो गाइज अभी चलते हैं अब मेरे स्कूल में, और मुझे अपना रिजल्ट लाना। और मुझे ये लगा था मैं अपना रिजल्ट ला नहीं पाने की, टाइम नहीं लगने का, पर फिर रात मम्मी ने कह दिया था कि अपने पापा जी के साथ जाइए गाड़ी में या बुलेट पे, और रिजल्ट लेके आइए अपना। तो मैं बहुत खुश हूँ अपना रिजल्ट लाने के लिए, एक्साइटमेंट। और इस चीज से नहीं खुश है कि गाड़ी में चल रहे हैं? उससे भी बहुत खुश हूँ मैं कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में रिजल्ट लेने जा रही, आगे बैठ के वो भी। ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो भाई चिंकी की ख्वाहिश पूरी होते हुए मैं चल दिया गड्डी लेके, और आज जाना है बस स्कूल तक। ज्यादा दूर का जो ट्रेवल है वो तो है नहीं, और चिंकी की ये एकदम हैप्पी हैप्पी राइड है, ये हैप्पी राइड करने वाली है। लेके तो जा सकता था मैं भाई बाइक से भी, पर ये कह रही नहीं बुलेट बाइक से नहीं जाएंगे, गड्डी से जाएंगे। तो बाकी बच्चों के यहाँ घर पे ना होने का फायदा उठाते हुए चिंकी चलती है मेरे साथ में, और मैं इसका रिजल्ट लेके आऊंगा और पीटीएम में शामिल होऊंगा। और इसके जो गिले शिकवे हैं वे भी मुझे मैडम को बताने हैं खूब। पापा जी छेड़ खानी ना बताइए बस, और कुछ ही बता। सबसे पहले मैं बताऊंगा मगर सबसे ज्यादा छेड़ खानी करती है या, और बाकी बच्चों के बीच लड़ाई लगवाने का काम करती रहती है पूरा दिन, उकसाती है एक दूसरे को कि तेरे बारे में उसने ये कहा, तेरे बारे में उसने ये कहा, और वे उकस जाते हैं सारे बच्चे। तो ये उकसाने का काम करती है, इस शिकायत को मुझे बताना है और इसका हल भी पूछ के आना है, इस सिचुएशन में कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि टीचर्स के पास बच्चों का बहुत सारा हल होता है, हर चीज का सलूशन बताते हैं वे। तो मुझे भी ये सलूशन पूछना है कि भाई इस तरह की अगर झगड़ा बंदी हो जाए, इस तरह के दंगे अगर घर के बच्चों के बीच हो जाए, तो उन्हें कंट्रोल कैसे करें और उन्हें कैसे संभाला जाए। तो इन सब चीजों की जानकारी लेने के लिए मैं भी बहुत उत्साहित हूँ और मीटिंग के लिए एकदम से बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस यही काम है, और मेन फोकस जो है इसी काम पे रहेगा आज मेरा। तो चिंकी आर यू रेडी? यस यस बोल दिया चिंकी। आई एम रेडी। चिंकी ये बोल रही थी भाई अभी कि मैं कुछ यहाँ से टॉफीज ले लेती हूँ और जाकर नंदनी को चिढ़ाऊंगी, मतलब यहाँ भी ऐसी बात कर रही थी जिस चीज का मैं हल निकालने की कोशिश कर रहा था और उस बारे में बातचीत कर रहा था, यहाँ भी वही टॉपिक छेड़ दिया चिंकी ने। मैं कहा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो भाई ये
टॉफी वॉफी जो है मैं लेने नहीं दूंगा इसे, और वहाँ पे जो है लड़ झगड़े की संभावना नहीं बनने दूंगा। तो फिलहाल हम पहुंच गए बातचीत करते हुए मैं और चिंकी केवल बुढ़ाना, और मैंने यहाँ से सब कुछ नहीं लेकर दिया है। अकेला बच्चा इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है कि तुझे कुछ चिज्जी दुआ देंगे, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे कारण नहीं है कि मैं इसे चिज्जी दुआ दूँ, और इसे चिज्जी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सारे बच्चों को मिलेगी। है चिंकी? हाँ जी, सही कह रहा ना मैं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे। मैं सही कहूँ लेकिन तुझे कभी कभी मेरी बात बुरी लग जा ये है ना नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगी कभी भी बुरी बात जा कभी कभी तुझे तो भाई पीटीएम में जो है पीछे के गेट से जाना पड़ेगा, उसमें फ्रंट गेट से एंट्री नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स साथ में आते हैं तो इनका कुछ होगा अपना हिसाब किताब। और फिलहाल चलते हैं भाई, कौन सी क्लासरूम में होंगे पता है चिंकी? रूम नंबर वगैरह तो भाई चिंकी को पता है सब, कौन से रूम में चलेगी पेरेंट्स मीटिंग। तो फिलहाल जो है इधर भाई गलियारे में जो गेट है उससे हम एंटर करेंगे और तब बातचीत होगी जाके कुछ, चिंकी की शिकायत परफॉर्मेंस जो भी है वो वहीं पे दर्ज होगी। तो चिंकी तुझे डर नहीं लगता है? तुझे ये नहीं लगता मैडम से थोड़ा बहुत डर? बिल्कुल नहीं लगता, हमारी मैडम बहुत अच्छी है। अच्छा, डांटती नहीं? नहीं, गलती पे भी? गलती पे ही डांटता है, बिना मतलब डांटती नहीं है। लड़ झगड़े पे? लड़ झगड़े पे भी डांटता। तो भाई चलो, चिंकी कह रही मुझे मैम डांटती नहीं बहुत अच्छी है, चाहे मैं लड़ दंगा फिसाद कुछ भी करूं। तो चिंकी रिजल्ट से कैसे हो आप, संतुष्ट हो पूरे? अगली बार इससे भी अच्छे मार्क्स लाने, मुझे वो मैम ने खुद ही कह दिया, इस बार एक्टिविटीज़ हुई इसीलिए थोड़ा मार्क्स, वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी बच्चे के लिए एक्टिविटीज़। अच्छा, तो इसलिए थोड़े कम रह गए। थैंक यू वेरी मच चिंकी। और चिंकी के मार्क्स जो हैं वो ठीक ठाक हैं, ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं, और जितने भी हैं उन सब में हमको तसल्ली है और परफॉर्मेंस सुधारने की बात जो है हम करते ही रहेंगे। हाँ चिंकी, मम्मी से मिल लो। मम्मी से चलो मिल लो। तो भाई ये था वो पीटीएम जिसके लिए चिंकी मुझे बोल रही थी कि गाड़ी लेकर चलना पापा जी, और ज़्यादा बातचीत तो नहीं भाई, मैंने बताया अभी मैडम को कि ये तो चुगली करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस करने के लिए से कहो, ऐसे ही कहा ना मैम ने? क्या कहा मैम ने? कहा ये तो अच्छी है हाँ ये जो रिमार्क है ये चेंज होना चाहिए, यही तो कहा ना। तो फिलहाल भाई चलो गेट पास लेके चलते हैं घर। चलो तो भाई अब चलते हैं घर। चिंकी पार्टी वार्टी करनी कि नहीं करनी? नहीं करनी, चिंकी ने मना कर दी। वापस चलते हुए बुढ़ाना से मिल गया हमें विराज, यो आया था भाई अपने घर पे, इसका बुढ़ाने में भी घर है। विराज क्या लेने आया था तू? मैं घूमने आया था। घूमने आया था या कुछ जांच पड़ताल करने आया था? मैं घूमने आया था। और वो आयुष भी आया होगा तेरे साथ? वो चला गया जा लिया? तो भाई फिलहाल विराज है मेरे साथ में, और यह बहुत ही मैच्योर बच्चा है, इसके पापा की है यहाँ पे दुकान खाद बीज की है भाई। हाँ जी। तो दुकान पे बैठना आया था क्या तू? हाँ जी। चल ठीक है, और बता तो? बढ़िया है। भाई थोड़ा बेस खराब हो रहा है, देख हमारे नहीं है सही, ये नहीं बिचारी है जब तो कोई से जानेगा। कैरी मेरे भी आगे वीडियो बनाई है। सही करी मेरी बच्ची कह रहे जब तो कोई जानेगा, कह रहे हां भाई वो है। अब मुझे कहां लो जाना है? अब चाची ने तो 30 साल लाना दे दिया, अब तू मुझे देखने भी नहीं गई? ए नहीं मेरी बच्ची नहीं, पता नहीं लगा, पता नहीं बेटे उलाना नहीं मेरे बच्चे नहीं, कभी भी ना उलाना दूं तुझे, तो मेरी मेरी जिगरिया जब भी तो तुझे कहा ए नहीं अनि अम्मा और किछ कर बता देगी यूं नहीं बता मैं क्या चाहती मेहंदी की असली ले लो ये सामान खरीदा मुझे बता असली लो लो जावे ना। हां तनु कह नु कह दे देख कर वीडियो कहन लगा नु कौन को होगा यो भी तू। हां हां सेनपुर की है, ये सेनपुर की है दो लोंडी तो क्या कर रहे।
अरे तू उस बहु का दूर जा कर बहू है वो मेरी असली तो मैं कह दू कि अच्छा अरे कितनी बढ़िया बहू है मैं अरे कितनी बढ़िया वो है सब जाना सब नहीं जब कहूँगी लौंडा भी जा लिया बम्बई तो जो कॉस्मेटिक्स वाली चाची जी है आज काफ़ी दिनों बाद आई, आपने भी देखा था इन्हें पहले, और इनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। एक दिन गुड्डू के पापा को मिली थी डॉक्टर के यहाँ पे, जहाँ से हम लोग हॉस्पिटल से दवाई लाते हैं, ये भी वहीं पे थी। तो तब इन्होंने बताया था तबीयत ख़राब चल रही, लेकिन मैं इनका पता नहीं ले पाई इस बीच में। आपको भी पता ही है कि मैं कितनी व्यस्त थी, और कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में मेरी भी भाग दौड़ चलती रहे। मैं सोचती हूँ कभी गांव में आते हो, और ये रास्ते में बीच बीच में कहीं कहीं माँ को मिलती रहती थी, तो अब की बार तो मैंने माँ से भी नहीं पूछा। और जो ये लड़की है ये हमारे गांव की है, और ये इनकी मम्मी बैठी हुई है। हमारे घर के आसपास ही इनके खेत हैं, तो ये वहाँ पर काम करने के लिए आई थी खेत में घूमने के लिए। तो फिर मैं इन्हें दिखाई देगी, मैंने इन्हें राम राम करी, बुलाया मैंने कहा आ जाओ, तो बहुत देर होगी, हम लोग बात भी कर रहे। और देखो इंसान जब चार आदमी के बीच में बैठा है ना, तो अपने सारे दुख बोल जा, नहीं तो दिमाग में ऐसा स्ट्रेस बना रहा है, सिर में दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो अभी चाची जी ने अपने बेटे की शादी करी, तो बोल ली मैंने अपने बेटे की शादी भी नहीं देखी, और मैं इतनी बीमार थी मुझे कुछ भी नहीं पता कब क्या हुआ। तो उसी के बारे में सारी चीज़ें बता रही थी कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से रीति रिवाज होते हैं, इस तरीके से सामान भेजा जाता है। हमने ये तीन चार चीज़ ले ली, एक ब्रश कपड़े धोने का, ये घेर में रखेंगे यहाँ के लिए तो है, और ये प्रीति ने छोड़ी ली, इसमें पैसे रख दिए, एक बिंदी और ये गले में पहनने का, ये बढ़िया लग रहा, मैंने डाल के देखा था गले में, यहाँ से और भी बैठे थे ना मेरे पैर थे, पहन के देखो कैसा लगेगा, पहन के अच्छा लग रहा, कंठी सी है, बढ़िया लग रहा इसका डिज़ाइन। और उसके बाद में फिर काम निपट गया था, और मैं ना लेट गई थी अंदर कमरे में, तो आरुष आया मेरे पास स्कूल में से आया, जब ये बोला मम्मी क्या बात हो रही, मैंने कहा तबीयत सी खराब हो रही और सिर में दर्द बढ़ना, तो ये बोला कि पैर दबाऊं, और जब भी कभी लेटा हुआ दिखता है ना ऐसा, तो ये पैर दबाना शुरू कर देता है अपने आप ही, चाहे से कितना मना करते रहो लेकिन मानता नहीं, बोल रहा था कि चलो कोई नहीं आप ठीक हो जाओगे, तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी। तो मतलब छोटे छोटे ही बच्चे भी ऐसी बात बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।